पुलिस चौकी गलोड़ के तहत ग्राम पंचायत लहड़ा में एक आवारा बैल की जहर देकर माने जाने की चर्चा हर जुबान पर थी और इस मृत बैल को खुले में फेंक दिया गया था। ज्ञात रहे कि बैल की मृत्यु का समाचार कई समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ था, जिसका कड़ा संज्ञान लेते हुए लहड़ा पंचायत प्रधान कमलजीत उप प्रधान राकेश कुमार सहित दर्जन ग्रामीणों ने बैल को जहर देकर मारे जाने की आशंका प्रकट करते हुए लिखित शिकायत पुलिस चौकी गलोड़ में करते हुए छानबीन की मांग की है। पुलिस चौकी गलोड़ के तहत ग्राम पंचायत लाहड़ में 30 जून को एक आवारा बैल की जहर खाकर मृत्यु हो जाने की चर्चा हर किसी की जुबान पर थी। इस मृत बैल को खुले में फेंक दिया गया था। आपको बता दें कि 2 जुलाई को बैल की मृत्यु का समाचार कई समाचार पत्रों में प्रकाशित भी हुआ था, जिसका कड़ा संज्ञान लेते हुए लहड़ा पंचायत प्रधान कमलजीत उप प्रधान राकेश कुमार सहित दर्जनों ग्रामीणों ने बैल को जहर देकर मारे जाने की आशंका प्रकट करते हुए लिखित शिकायत पुलिस चौकी गलोड़ में करते हुए छानबीन की मांग की थी। पुलिस चौकी प्रभारी गलोड़ विक्रम सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल और पशुपालन विभाग की ओर से डॉक्टर विनीत सिंह की टीम ने बैल का पोस्टमार्टम किया और इसके सैंपल लेकर लैब को भेजे हैं। लैब से रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा कि किन कारणों से बैल की मौत हुई है। चौकी प्रभारी विक्रम सिंह ने मौके पर मौजूद प्रधान के बयान भी कलमबंद करते हुए मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। प्रभारी ने बताया कि बैल की नंदी के रूप में पूजा की जाती है। रिपोर्ट में यदि बैल को जहर देकर मारे जाने की पुष्टि होती है तो कार्रवाई अवश्य की जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रधान द्वारा मृत बैल को दफनाने की भी सारी हिदायतें दी गई हैं। इस दौरान प्रधान कमलजीत के अलावा अन्य लोग भी वहां मौजूद रहे और साथ में सैंपल थे, वो 3 सैंपल लिए गए। अभी तक तो कुछ कहना मुश्किल है क्योंकि जो बैल था वो बिल्कुल सड़ गल चुका था, उसके अंदर के जो पार्ट्स थे वो भी लगभग सड़ गल चुके थे, लेकिन हमने 3 सैंपल ले लिए और इनको फोरेंसिक लैब मंडी भेजा जाएगा और जो भी वहाँ से रिपोर्ट आएगी